हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज हम पता कहाँ पे आए हैं? आज हम आए हैं नैनी लेक। और ये जो नैनी लेक है ना, ये मतलब नैनीताल वाली नहीं है, ये है दिल्ली की नैनी लेक। सो हम आए हैं यहाँ पर बोटिंग करने स्पेशली। वैसे तो मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब थी आज, लेकिन ना रहा नहीं जा रहा था यार यहाँ पे घूमने के लिए। सो अभी देखो, मैं और शक्ति और करण, हम तीनों आए हुए हैं नैनी लेक। सो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है व्यू, कितने की है टिकट, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पास कर देंगे आपको, ताकि जब भी आप आना चाहो यहाँ पे तो आप इजीली आ सको। दिल्ली के अंदर जो है बोट राइड का मजा वाकई सच में है यार नैनी लेक में, तो आप एक बार जरूर आना। चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो भाई अभी क्या है, अभी टिकट लेने जा रहे हैं। अभी शक्ति मेरी और वैसे कैपेसिटी 4 एडल्ट की होती है जो टिकट ले रहे हैं। अभी ये बोर्ड पे आपको देख के पता ही लग जाएगा, वैसे 11 बजे से लेकर ना 6 बजे तक खुला होता है ये, ठीक है। आधे घंटे 30 मिनट्स की जो टिकटिंग है ना यहाँ पर 130 रुपीज़ की है वो। उसमें 4 बंदे जा सकते हो आप एक बोट में। तो पहले टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं। हम 3 बंदे हैं, शुक्र है भगवान का शुक्र है हम 3 बंदे हैं। तो भाई ये टिकट ले लिया ये 130 की, ठीक है। वो भैया जो है अभी हमारी जो बोट इशू कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी बोट लेकर चलते हैं अंदर। थैंक यू भैया। आई माइट बी सेंटिमेंटल बट डोंट गेट सो जजमेंटल। जिधर घुमाएंगे ना उसके उल्टी साइड ना हो जाती है। शक्ति कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इसमें कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा? बुलना तो पड़ा हुआ है। ये देखो, इसको ये लग रहा है कि कहीं ना दूसरी बोट्स के साथ ना टकरा जाए। यार वाओ, सच में यार, मतलब ये लगा लो दिल्ली के अंदर नैनीताल वाली फीलिंग है ये यहाँ पे। अगर आपको अपना पर्सनल व्यू दूँ ना, सबसे पहला ना मेरा माइंड में यही होता है कि वहाँ पर रश कैसा मिलेगा, मतलब अच्छा रश होगा या नहीं। ये जो एरिया है ना, आप यहाँ पे इजिली आ सकते हो, मतलब सेफ रश है, मतलब कपल भी आ सकते हैं यहाँ पर चाहे तो। बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर, एकदम साफ सुथरा है। और यहाँ पर ना कॉर्नर्स पे कपल ही बैठे हुए हैं ज्यादातर यहाँ पे ना। अगर मान लो देखो, अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, मैं एक एज अ कपल के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर जो है ना कॉर्नर पे, मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न होता है सबका, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट कपल्स ही हैं यहाँ पर। तो अगर एज अ कपल अगर आप आना चाहते हो किसी के साथ, तो मतलब मेरे को तो देखो यार बहुत बढ़िया लगी ये जगह। हालांकि फैमिलीज के साथ भी अच्छे आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर एज अ कपल भी अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। साइड में अगर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये साइकिल की तरह में पैडल मारना पड़ता है तो ये चलती है देखो। और इसका जो डायरेक्शन देने वाला ना वो ये है, अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ घुमाओगे ना तो ये देखो बोट घूमने लगी राइट की तरफ। मतलब आपको कहीं पर भी घुमाना है ना, अगर आप चाहते हो जैसे सीधी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने में तो आपको यही होता है कि हैंडल जो है आपने राइट साइड घुमाया तो गाड़ी राइट घूमेगी, बोट में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ये देखो, जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ मूव करूंगा ना, ये देखो बोट लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। जो बोट है ना, ये देखो बोट घूम गई, स्किट मार दी, ये देखो स्किट मार दी बल्ले काले, आहा पूरी ड्रिफ्ट कर दी है देख मैंने। यहाँ पर कोई उछल कूद नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 9-10 फीट गहरा है, ये अभी भैया ने बताया हमें। मैंने उनसे पूछा, मैं तो भैया गहरा है क्या ये? नहीं ज्यादा नहीं है, 10-12 फुट। मैं भाई, मैं इतना लंबा आदमी हूँ, मेरे जैसे दो आदमी खड़े हो जाएंगे ना, उतना गहरा ही है। मतलब जिसको नहीं मेरी तरह तैरना आता ना, उसके लिए बहुत ज्यादा गहरा ही है। I might be sentimental. मनु जी गाना आता है आपको? हाँ जी, गाना तो मुझे आता है जी। वो देखो यार वहाँ पे, देखो डक्स भी दिख रही है वहाँ पे, सॉरी मतलब ड्रग्स नहीं, डक्स, बत्तख क्वैक 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 क्वैक। ये देखो बत्तख के पास लेके जाता हूं ना, हॉर्न यही लगा होना। अब ये देखो, अब तुम्हें पता लग जाएगा भाई को पूरी बोटिंग चलानी आती है। देखो बत्तख के पास ही जा रहा हूं मैं। आ जाओ तुम्हें बत्तख दिखाते हैं। ये देखो वो देखो यार, मैं ना गलत साइड में बैठ गया हूं, मेरे हिसाब से मुझे उस तरफ बैठना चाहिए था। ये देखो ना बत्तख, वो इधर कर रहे
भाई इधर कर, एक्सीडेंट हो जाएगा वरना हमारा। ये ड्रिफ्ट मार दी भाई, चलो उल्टी ले लो। उल्टी लेनी पड़ेगी भाई, गाड़ी पीछे करो, पीछे करो। ठोक दी भाई, ये देखो। और डरा दी मैंने बत्तख भी। ये देखो बत्तख भाग गई, इसने ठोक दी इस बंदे ने। ये देखो इसने भाई अभी ठोक दी थी उसके अंदर, वो बत्तख है ना वो सारी की सारी भाग गई। मतलब ये तुम्हें भी बता रहा था, देखो मैं सिखाता हूँ, ये देख लो ऐसा ऐसा तुम्हारा उस्ताद है और ऐसे ही चेले पैदा होंगे, ये देख लो। मैं वो चेला हूँ जो सीधा उस्ताद ही मार देता है। यार बोट को ना उधर को मोड़ो भाई। हाँ हाँ चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। वो देखो, अब देखो, देख रहे हो, ओए होए क्या व्यू है भाई, मजेदार। मतलब ये लगा लो 130 रुपए में पूरी मौज है ये। अब ये ना अब उल्टा टर्न करना पड़ेगा हमें हल्का सा। सीधा चलाओ, मैंने पूरा मौज। अरे सीधा चला के, तुम्हारे जैसा ड्राइवर नहीं हूँ मैं भैया जो दोबारा ठोक दूँ एक बार। किटकैट ब्रेक बनता है। ये देखो ये एक प्रेमी जोड़ा है जो एक साथ है, बाकी सब अलग अलग घूम रहे हैं। वाओ यार, तुम्हें पास से दिखाता हूँ। वो देखो देखो भाग गए हमारे को देखते ही। ये यहाँ से ना ये जो व्यू है ना, मतलब ये समझ लो कि हिल्स नहीं है सिर्फ आसपास, लेकिन पूरा का पूरा वैसा ही है। ये पूरा कोठी एरिया है और उसके बीच में है ये पूरी लेक बनी हुई है। आसपास ना पूरी की पूरी कोकोनट के ट्री है बड़े बड़े, व्यू के हिसाब से देखा जाए वो सामने बिल्कुल ना सारे के सारे ये कोकोनट के ट्री हैं पूरे के पूरे। दोस्तों इस एरिया का मुझे जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा ना इस झील का, वो सबसे बढ़िया पार्ट लगा मुझे ये वाला पार्ट। अतुल भाई एक बार दिखाना, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इसमें इन्होंने 3-4 ट्रीज उगा रखे हैं और ये छोटा सा जैसे आइलैंड नहीं होता है वैसे बना रखा, मिनी आइलैंड सा। और इस जो आइलैंड पे ना सारी डक वगैरह जितनी भी है ना वो सारी की सारी रेस्ट करने आती है, तो ये वाला पार्ट मुझे सबसे सुंदर लगा है इसमें। वो देखो वो दूसरे भाई भी हैं बिल्कुल यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। आ जाओ पेचे लड़ाने, पेचे आ जाओ, पेचे लड़ाओगे बड़ी पतंगे के बिना मांझे के पेचे। और यहाँ पे ना तुम्हें एक फनी पार्ट बताऊं, वो देख रहे हो वो कॉर्नर पे ना बिल्कुल वहां पे जहाँ से टिकट मिलती है वहां पे 3-4 बोट वाले हैं भाई, आराम से जुआ खेल रहे हैं। नहीं जुआ नहीं, मतलब ताश खेल रहे हैं, मौज ले रहे हैं भाई पूरी जिंदगी की। ऐसा नहीं है कि बोट पे आके आप ही मौज ले रहे हो सिर्फ, वो लोग भी पूरी मौज ले रहे हैं यार। यहाँ पर ना हर बंदा मौज ले रहा है, काम करने वाला ये मौज ले रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उनका काम क्या है, टिकट काट के तुम्हें गाड़ी में मतलब कि बोट इशू करके उनके पास फ्री है, वो अपना ताश खेल के मौज ले रहे हैं। कपल यहाँ पर आकर अपनी बातें करके मौज ले रहे हैं, हमारे जैसे बंदे आकर बोटिंग करके मौज ले रहे हैं। मतलब किसी को भी खपत में नहीं देखा है यहाँ पर कि कहाँ आ गए। यहाँ पे जो दूसरे बोट वाले हैं ना, मैं तो पता क्या कह रहा था, भैया आ जाओ पीछे लड़ा लो दोनों, आ जाओ करते हो फाइटिंग आपस में एक दूसरे से। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं भैया, मतलब अपने को रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे जिंदगी का। हालांकि तैरना तो हमें भी नहीं आता। खैर गाइस एक चीज आप, मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे जैसे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, और अगर आए तो मम्मी पापा के साथ आए। अच्छा। तो अकेले थोड़ी आएंगे, वो बोट भी नहीं इशू करेंगे आपको। सो यार ये देखो वैधानिक चेतावनी शक्ति ने दे दिया यहाँ पे कि भाई इसके जितनी एज के या फिर इससे जो कम एज के बच्चे यहाँ पर अपने आप अकेले ना आए, जब भी आए तो अपने मम्मी पापा के साथ ही आए वरना मत आए। अतुल भाई तेरा भाई तेरे को एक ड्रिफ्ट मार के दिखाता है, देख पहले पूरी स्पीड कर दो शक्ति, चल चल रेस बढ़वा, पूरी स्पीड बना दी, अब देख तेरे भाई की ड्रिफ्ट। ये देख तो यार अब ना टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब बोटिंग का, सो ऑलमोस्ट 30 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। सो अब हम जा रहे हैं, देखो ये बोट को ना बिल्कुल उस कॉर्नर पे लेके चल रहे हैं और वहाँ पे आराम से बोट को पार्क करके और फिर ना कुछ खाने चलते हैं, भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है यार। और मैं भी ना आपको पर्सनली रिकमेंड जरूर करूँगा, एक ना एक बार ज़रूर विजिट करो यहाँ पे। और मतलब कोई देखो पैसे वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इतना तो शायद रेट होना ही चाहिए इस जगह का, इतना तो मेंटेनेंस भी तो होता ही है यार, गवर्नमेंट को करना है बढ़ता मेंटेन। सो 130 की टिकट है, आप भी ज़रूर आओ यहाँ पे, मॉर्निंग 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है। लेकिन मैं आपको टाइम सजेस्ट करूँगा, आप जब भी आओ ना, अभी जैसे अगर सर्दियों के दिनों में आ रहे हो थोड़ा आफ्टरनून टाइम पे आओ ताकि आप थोड़ा आराम से एंजॉय कर पाओ, वरना अगर शाम के टाइम बिल्कुल आओगे ना तो आपको मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगना चालू हो जाएगा। चलो 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 उधर कॉर्नर पे। सो ये भैया बता रहे हैं कहाँ पे पार्क करनी है, ये देखो। भैया बढ़िया ड्राइवर हूँ ना मैं। हाँ भैया इसने ना अभी ये जितने चील बत्तख कुत्ते बिल्ले सब उड़ा दिए थे अभी रस्ते में।
तो दोस्तों वोटिंग करके हम आ चुके हैं बाहर। अभी एक्सपीरियंस अगर पर्सनली हमारा तो वो तो अच्छा ही लगा है, आपने देख तो लिया है या वीडियो में हम तारीफें कर रहे थे। वैसे यार हमें कुछ इनसे कुछ वैसे लेना देना नहीं है, कुछ आप सोचो कि तारीफें ज़्यादा कर रहे हैं कुछ इनका लेना देना होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि अगर कोई हमारे अगर सजेशन से चाहता हो ऐसी कोई वीडियो तो उसको अच्छा लगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट कर अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और शक्ति क्या करना, घंटा दबाना मत भूलना। हाँ तो घंटा दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।